हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति क्रिएशन। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नवरत्न बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए नवरत्न बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये नवरत्न बिरयानी हम सिर्फ सब्जियों से बना रहे हैं, और इसके लिए हम ले रहे हैं शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, गोभी, आलू, हरी मिर्च, गाजर, एक कप सोयाबीन जिसे हमने हल्का बॉईल करके रखा है, थोड़े से काजू और बादाम, और घी, थोड़े खड़े मसाले, और इसके लिए लिए हम दो तेज पत्ते, जावित्री, दो बड़ी इलायची, दो दालचीनी के टुकड़े, चार हरी इलायची और लौंग। अब हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, और इसमें हम दो बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल देंगे और इसे कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें आलू को डाल देंगे और इसे हमें 50% तक इसे कुक करना है। हम यहाँ पे सब्जियों को सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। आलू 50% तक कुक हो गए, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी बची हुई तेल में हम गोभी को फ्राई कर लेंगे, और इसे भी हमें 50% तक कुक करना है। जब तक कि गोभी फ्राई हो रही है तब तक हम चावल को पानी में डाल देंगे भिगोए रखने के लिए। और ये हमने 2 ग्लास लंबे दाने वाले चावल लिए हैं और इसे हमें 10 मिनट तक पानी में भिगोए रखना है। और अब हम गोभी में चुटकी भर हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और ये प्रोसेस हम सभी सब्जियों के साथ करेंगे। इससे सब्जियों में स्वाद बनी रहती है और सब्जियां खाने में फीकी नहीं लगती है। और ये हमने आलू के साथ भी किया है, बस वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। गोभी 50% तक कुक हो चुकी है, अब हम इसे उसी बाउल में निकाल देंगे। अब हम फिर से इसी कढ़ाई में 1 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और इसमें हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। आप सोयाबीन की जगह पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर को भी आप इसी तरह से फ्राई करके अलग कर लें। आप देख रहे होंगे हम सभी सब्जियों को एक एक कर अलग अलग फ्राई कर रहे हैं। बहुत लोग इसे एक साथ ही फ्राई करते हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सब्जियाँ उससे ओवर कुक हो जाती है। सोयाबीन में भी हमने हल्दी और नमक डालकर इसे फ्राई कर लिया है और इसमें अच्छी गोल्डन कलर आ गई है, और इसे भी हम निकाल देंगे उसी बाउल में। और फिर से हम इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल देंगे और इसमें हम बीन्स डाल देंगे। बीन्स को हम हल्का फ्राई करने के बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे और गाजर को भी हम हल्का स्टर कर लेंगे। फिर हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसमें भी हम हल्की हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और इसे भी हम निकाल कर उसी बाउल में रख लेंगे। और वापस हम इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे घी जब अच्छे से मेल्ट कर जाए तब हम इसमें बादाम डाल देंगे और बादाम को हम हल्का घी में फ्राई कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के बाद हम बादाम को निकाल कर एक कटोरी में रख लेंगे। इसके बाद हम इसी घी में काजू को भी फ्राई कर लेंगे। काजू को भी हम हल्का फ्राई करके उसी कटोरी में हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम घी में जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें सारे खड़े मसालों को इसमें डाल देंगे। और इसे हम हल्का चला लेंगे और इसके बाद हम एक प्याज को इसमें बारीक काट कर डाल देंगे और प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इसी में हम 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे बीच से चीरा लगाकर।
फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप किसी भी पार्टी या फिर कोई मेहमान आ रहे हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं। वो इन्हें खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सारी डली वेजेस और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें चावल को डाल देंगे। चावल को हमने बस 10 मिनट तक पानी में भिगोए रखे थे, फिर हम इसे एक छन्नी में डालकर छान लिए थे और चावल को हम बस 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे हरे मटर। हरे मटर को हमने फ्राई या बॉईल नहीं किया है और मटर डालने के बाद भी हम इसे हल्का चावल को फ्राई कर लेंगे। और लास्ट में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रोसेस को हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही किया है और इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद हम कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें हम 4 ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि हम इसमें डाले हैं 2 ग्लास चावल। हमने इसी ग्लास से चावल को मेज़र किया था। आप ये हमेशा याद रखें, जितना चावल लेंगे उससे दुगना हमें पानी डालना है। और ये देखिए पानी गर्म हो गई है और अब हम इसमें चावल को डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इसमें सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला। इसे अब हम हल्का चला लेंगे जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच शक्कर और ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हम बचा कर रख रहे हैं, उसे हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कुकर के लिड को लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा देंगे। ये देखिए हमारी नवरत्न बिरयानी बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत खिली खिली हुई है। हम आपको चेक करके दिखाते हैं, इसकी तो खुशबू से ही भूख लग गई। इसे आप अपने फ्रेंड और फैमिली को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ करते ही नहीं थकेंगे। अब हम नवरत्न पुलाव के ऊपर बचे हुए ड्राई फ्रूट छिड़क लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े से अनारदाने छिड़क लेंगे जिससे इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।